प्रेगनेंसी के स्टार्ट में ब्लीडिंग का होना एक बहुत कॉमन कंप्लेंट है और बहुत ज़्यादा ख़वातीन प्रेगनेंसी के स्टार्ट में इसकी कंप्लेंट करती हैं। हर 10 वो ख़वातीन जो कि प्रेग्नेंट हैं उनमें से 2 ख़वातीन प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्रेमेस्टर में ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट हो रही होती हैं। यहाँ पर ये सेशन करने का मकसद ये है कि आपको गाइड किया जाए कि अगर आपको प्रेगनेंसी के स्टार्ट में ब्लीडिंग है या स्पॉटिंग है तो हो सकता है कि ये किसी बड़े मसले की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हों और आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट या अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी हो ताकि आप चेक कर सकें कि कोई और मसला डेवलप तो नहीं हो रहा। अमूमन प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी पहले 3 महीनों में ब्लीडिंग का होना चंद चीज़ों की अलामत होता है। उनमें सबसे पहले किसी भी किस्म का मिसकैरेज आ जाता है। मिसकैरेज की बहुत सी टाइप्स होती हैं जिसमें इनकम्प्लीट मिसकैरेज हो सकता है यानी बच्चे की धड़कन ख़त्म हो चुकी है और कुछ पार्ट जो है वो एक्सपेल हो गया है और कुछ अभी बाकी है जिस वजह से आपको ब्लीडिंग हो रही है। लेकिन बाज़ औक़ात ये ब्लीडिंग थ्रेटन्ड मिसकैरेज को शो कर रही होती है। ये वो पॉइंट है जिसमें आपका डॉक्टर से मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थ्रेटन्ड मिसकैरेज एक ऐसी कंडीशन को कहते हैं कि जिसमें आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि आपको ब्लीडिंग हो रही है लेकिन अल्ट्रासाउंड पे बच्चे की धड़कन और बच्चे की ग्रोथ बिल्कुल नॉर्मल चल रही होती है। ऐसी सूरत हाल में डॉक्टर्स आपको कुछ इंजेक्शंस और कुछ मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब करते हैं जो कि आपकी प्रेगनेंसी को सपोर्ट करती हैं और ये प्रेगनेंसी इवन टर्म तक भी कंटिन्यू हो सकती है। अगर प्रेगनेंसी के फर्स्ट 3 मंथ्स में आपको ब्लीडिंग है या स्पॉटिंग है तो फौरी तौर पे डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा वो कंडीशंस जो कि फर्स्ट 3 मंथ्स में ब्लीडिंग का बाइस बनती हैं उनमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है जिसके बारे में मैं पहले भी आपको गाइड कर चुकी हूँ। एक और बहुत बड़ी वजह प्रेगनेंसी के स्टार्ट में ब्लीडिंग की मोलर प्रेगनेंसी है। मोलर प्रेगनेंसी एक एबनॉर्मल फॉर्म ऑफ प्रेगनेंसी है जिसकी इवैक्यूएशन या जिसकी ENC करना बहुत ज़रूरी होता है और ये किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के थ्रू होनी चाहिए। आज का सेशन करने का मकसद ये था कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं और पहले 3 महीनों के अंदर या 4 महीनों के अंदर आपको किसी भी किस्म की स्पॉटिंग होती है या ब्लीडिंग होती है तो जाहिर बात है परेशानी का बायस तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन बाज़ औक़ात हमें ये कहा जाता है कि अब तो ब्लीडिंग हो गई है इसका मतलब है कि प्रेगनेंसी आगे कंटिन्यू नहीं हो रही। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है, अल्ट्रासाउंड करवाना है ताकि आप अपने बच्चे की ग्रोथ और बच्चे की जो धड़कन है, बच्चे की जो दिल की धड़कन आ रही है जो कि अल्ट्रासाउंड पे पिक की जा सकती है, आप उसको चेक करवाएं और ये जान सकें कि आया ये प्रेगनेंसी अबॉर्ट होने की तरफ जा रही है या इसको कुछ मेडिसिन देकर सपोर्ट किया जा सकता है और आगे टर्म प्रेगनेंसी तक जाया जा सकता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। थैंक यू वेरी मच।